अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शनिवार को फैसला आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के अलावा इमरजेंसी में अलग से डॉक्टरों, स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय की तैनाती कर दी गई है। इमरजेंसी वार्ड में 10 बेड भी खाली करा दिए गए हैं। किसी भी स्थिति में अप्रिय घटना से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, इमरजेंसी में मेडिकल ऑफिसर की तैनाती रहती है, उसके अलावा ऑन कॉल सारे 20% की डॉक्टरों की तैनाती की गई है, जितने भी विशेषज्ञता है, सर्जन, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और उसके अलावा सभी कर्मचारियों की तैनाती की गई है। और इमरजेंसी वार्ड में विशेष रूप से बेड खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। रात में मरीजों की बहुत संख्या ज़्यादा आने से इमरजेंसी वार्ड में जो मरीज भर्ती हो गए थे उनको अन्य वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा है और इमरजेंसी के बेड खाली कराए जा रहे हैं। कितने बेड आपातकालीन स्थिति के लिए खाली कराए? 10 बेड तो कम से कम हम लोग रखेंगे ही, लेकिन इमरजेंसी में नए मरीज आते रहते हैं और उसमें मरीजों को भर्ती किया जाता है, जैसे जैसे मरीज सही होते हैं विभिन्न वार्डों में भेजे जाते रहते हैं।